हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 अमेजिंग फैक्ट्स इंडियन सिटी बेंगलुरु के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है इस कंट्री के लिए। इसके साथ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स जुड़े हैं, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट फैक्ट है वो ये है कि नियरली 40% बेंगलुरु लैंडस्केप इस गार्डन्स एंड पार्क, मतलब इसका जो 40% लैंडस्केप है, जो इसका एरिया है, वो गार्डन्स या पार्क है, और 50% लेक या पॉन्ड्स है। तो आप देखेंगे इतनी बड़ी सिटी है कि इसमें इतनी बड़ी सिटी है फिर भी इसका 40% गार्डन पार्क है, तो कितने पार्क्स और कितने गार्डन्स होंगे सिटी में। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। ये पहली साउथ इंडियन सिटी है जिसके पास मेट्रो ट्रेन है। तो बेंगलुरु का एक बहुत ही अच्छा मेट्रो नेटवर्क है, और ये फर्स्ट इंडियन सिटी है, साउथ इंडियन सिटी, जिसके पास एक मेट्रो ट्रेन आई थी। जो आज का मेरा थर्ड फैक्ट है वही है कि बेंगलुरु इंडिया की जितनी भी स्टेट कैपिटल्स हैं उसमें से वन ऑफ द कूलेस्ट स्टेट कैपिटल है, क्योंकि जो इसकी हाइट है ये एक काफ़ी हाइट पे, अबव सी लेवल काफ़ी हाइट पे सिचुएटेड है। ये अराउंड 300 फीट, जो कि होता है 914 मीटर्स अबव सी लेवल है। और बेंगलुरु अगर हम देखें तो देहरादून, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है, उससे भी ऊंचाई पर है, इसलिए काफ़ी अच्छा वेदर रहता है सिटी में। जो आज का मेरा फोर्थ फैक्ट है वही है कि बेंगलुरु की जो परसेंटेज ऑफ इंजीनियर्स है बेंगलुरु में, वो हाईएस्ट है पूरी दुनिया में, अराउंड 1 मिलियन, जो कि होता है 10 लाख आईटी प्रोफेशनल्स इस सिटी में काम करते हैं। तो आप देखें सिर्फ 1 लाख आईटी के लोग इसमें काम करते हैं, तो कितने सारे लोग उनकी उनके लिए आप कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर की वजह से कितने सारे बिजनेसेस और कितने सारे सेक्टर्स इस सिटी में आए होंगे। जो आज का मेरा फिफ्थ फैक्ट है वही है कि बेंगलुरु जो है ये एक स्टार्टअप कैपिटल है। बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे बने, वो इस सिटी से निकले थे, जैसे फ्लिपकार्ट, टैक्सी फॉर श्योर, रेड बस, और इन्होंने बहुत ही छोटे ऑफिस से शुरू किया था इस सिटी में। जो आज का मेरा सिक्स्थ फैक्ट है वो ये कि बहुत ही फेमस ब्रांड है जो MTR, उसकी बर्थ प्लेस भी बेंगलुरु है। जो MTR रेस्टोरेंट्स है बेंगलुरु से ही शुरू हुए थे। हमारा जो सेवन्थ फैक्ट है वो ये है कि इसरो, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, JNCASR, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, और IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये तो सिर्फ चार नाम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मेजर इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। जो आज का हमारा एट्थ फैक्ट है वो ये है कि बेंगलुरु फर्स्ट इंडियन सिटी थी जिसको इलेक्ट्रीफाई किया गया था, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँची थी। ना ये मुंबई थी, ना ये दिल्ली था, ना ये कोलकाता था, बेंगलुरु ऐसी पहली सिटी थी, बेंगलुरु का एक छोटा सा एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहली बार पहुँची थी। ये हुआ था 1905 में, जब बेंगलुरु की सिटी मार्केट की एक बिल्डिंग को इलेक्ट्रीफाई किया गया था। जो आज का मेरा नाइन्थ फैक्ट है वही है कि बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकन कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा IT कंपनीज हैं जो अगर हम देखें इंडिया में, तो वो बेंगलुरु में ही है, जो कि ये एक अकेली सिटी कंट्रीब्यूट करती है 38% इंडिया का जो 1 लाख करोड़ का, जो कि 22 बिलियन US डॉलर्स का जो IT और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट मार्केट है, जो कि इंडिया जिसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, उसमें से ऑलमोस्ट 40% सिर्फ एक सिटी से जा रहा है, बेंगलुरु से। और इसका जो लिटरेसी रेट है वो भी, यूथ का लिटरेसी रेट वो भी बहुत अच्छा है, वो 86% है, जिससे ये टॉप करता है इंडिया में। जो आज का मेरा टेंथ फैक्ट है वो ये कि बेंगलुरु में हाईएस्ट ट्रैफिक डेंसिटी है पूरी कंट्री में, तो इस सिटी का ट्रैफिक बहुत ही बुरा होता है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ 2-व्हीलर ओनर्स अगर हम देखें एक ही सिटी में पूरी दुनिया में, तो उसके लिए भी वो भी नंबर वन पे बेंगलुरु है। ना ये चाइना में, ना ये जापान में, ये इंडिया की सिटी जो बेंगलुरु है उसमें एक ही सिटी में सबसे ज़्यादा 2-व्हीलर ओनर्स है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ फैक्ट्स पता लगेंगे बेंगलुरु के बारे में, और ये एक बहुत ही मेजर सिटी है इंडिया के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, पर ये बहुत सारे इश्यूज़ को भी फेस करी है, जैसे ट्रैफिक कंजेशन, और काफ़ी इसमें, यहाँ इस सिटी में वाटर की भी प्रॉब्लम है। तो थैंक यू गाइस, एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।